हमको हरा ही नहीं सकता है। हम बड़े बड़े प्रधानमंत्री बनाए, बड़े बड़े राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री बनाए, मतलब कि एक तरीके से बोल रहा है कि हमको इस धरती पर कोई नहीं हरा सकता है। तो इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिए थे कि बानासुर भी बहुत अत्याचारी था, समझ गए, वो भी बहुत बड़बोले था, बोलता बहुत बढ़िया था, लेकिन उसको कृष्ण भगवान ने सब हाथ, ई हाथ, ई हाथ, ई हाथ, गोड़ हाथ, सब पैर काट दिए, ये व्यक्ति जीवित रहेगा, खाली बोलेगा ही खाली। तो जो प्रशांत किशोर का मुंह है ये खाली चापर चापर उनको चलता है, बाकी ग्राउंड पे उनका कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे उसको पता है कि सोशल मीडिया पे कैसे भौकाल मचाया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनको कुछ पकड़ नहीं है। इस बार जो है मोदी जी, एक तो हनुमान है ही है चिराग पासवान, अब ये बानासुर को भेज दिए हैं। तो बानासुर हो गए, प्रशांत किशोर, इनको पूरी की पूरी जो प्रात करेंगे, ठीक है, जो कलयुग में जो कृष्ण है वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव से ही सुनेंगे, इस धरती पर एक ही जात है जो सबसे लड़ सकता है, वो है यादव। और यादव को कोई चुनौती देगा वो पीछे नहीं हटता है, चाहे 5 गो रहे चाहे तो 100 गो रहे, वो हमेशा लड़ के मैदान में जीतेगा और किसी बिल्कुल से गठबंधन नहीं करेगा। पिछले 40 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, यूपी और बिहार के अंदर में, तो आज तक बीजेपी और आरएसएस से समझौता ऐसे नहीं किया। तो प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि बैक दरवाजे से हम आकर के बिहार के अंदर में खेला है जो बिगाड़ दे। और तेजस्वी के जो राजनीति चमक रहा है, इतना कम उम्र में मुख्यमंत्री का दावेदारी चल रहा है, इनको हम समाप्त करेंगे। तो ये बिल्कुल ही इनका मुखौटा है जो उतरने वाला है। नमस्कार, नाम मैं हूं अजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री भारत। देखिए, आज बातचीत करने के लिए हमारे पास हैं कमल नयन जी। इनसे बातचीत करेंगे प्रशांत किशोर पर, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर पूरे बिहार में एक अलग छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और छवि किस प्रकार की छवि? ये कि भैया हम ही नेता हैं एक ऐसे जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं और हम ही चुनाव सबको लड़वा के जिताते भी हैं, और इस बार बिहार में हम ही सरकार भी बनाएंगे, हमारा ही नेता भी होगा और हमारा ही पूरे क्षेत्र में दबदबा भी होगा। तो क्या कुछ इस बात पर कहना चाहते हैं कमल नयन जी? इसी चीज पर हम बातचीत क्या करेंगे। सोचते सोचते हैं आप प्रशांत किशोर के बारे में, क्या इस बार प्रशांत किशोर कितनी सीट लेके आने वाले हैं, कितनी सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं? बहुत सारा दावा वो पहले ही कर दिए हैं, बताइए। देखिए, प्रशांत किशोर सबसे पहले तो कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसे, कैसे? जे समझाते हैं आपको। मोदी जी हस्तिनापुर से 2 हनुमान छोड़े हैं, अच्छा। ठीक है। पहला हनुमान जो है आपका चिराग पासवान है, और दूसरा है आपका बानासुर। बानासुर कौन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बानासुर है प्रशांत किशोर। अब बानासुर मैं क्यों कह रहा हूं, बानासुर जो था ना वो बाली का पुत्र था, समझ अच्छा। गए। उनके ऊपर बोला जाता कि शंकर भगवान का आशीर्वाद मिला, उनको मतलब कि अजय मिला, उनको कोई धरती पर परास्त हराने से। मतलब हरा ही नहीं सकता है, समझ गए। तो जैसा कि आपको पता है कि द्वापर युग में ना कृष्ण भगवान, ठीक है, जब उनका युद्ध हुआ था, वो बोला था हम अजय हैं, हमको तो शंकर भगवान से आशीर्वाद है जो मिला हुआ, हमको इस दुनिया में कोई नहीं पटक सकता, हम तो बहुत बड़े बड़े महारथी को हम पटक दिए, चटा दिए। मिट्टी में मिला दिए। तो उसी तरीके से प्रशांत किशोर अब है जो राजनीति में आए हैं, इनको का नाम है कि हम बड़े बड़े मुख्यमंत्री बनाए हैं, बड़े बड़े राज्य में हम मतलब कि मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए हैं, इनका कहना है। अच्छा। लेकिन मैं आपको बता तो इनको का नाम है कि हम अजय हैं, हमको जो स्ट्रेटजी हम बना देंगे, जो रणनीतिकार हम बना देंगे, उस पर कोई माई के लाल है जो झंडा हिला नहीं सकता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था, आरजेडी के कोई नेता थे, वो कह रहे थे कि ये अगर एक पंचायत का चुनाव लड़ जाए तो वो हार जाएगा। अपने लड़ने की बात कर रहे हैं अच्छा, और बड़े बड़े लोग को जिताने का बात कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, प्रशांत किशोर का जो मेन मिशन है और विजन है, जहां जहां प्रशांत किशोर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है स्टेट में, वहां वहां बीजेपी मजबूत हुई है, इस बात अच्छा। को पक्का गारंटी मान लीजिए। वहां आप या तो इंडिया गठबंधन के लोग, या तो कांग्रेस, या तो जो भी समाजवादी पार्टी के लोग विचारधारा को मानने वाले, वो उनका है जो नैया डूबा है, जो जो उनका साथ लिया है, और जो जो व्यक्ति उसका साथ है जो नहीं लिया, आज भी विपक्ष में रूप में या तो मजबूत है या तो सरकार में। जैसे मैं आप ले लीजिए
तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव आज तक लगातार भले सत्ता में ना लेकिन विपक्ष में मजबूत कैंडिडेट के रूप में आज भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में इन्होंने जी तरीके से रोड मैप तैयार किया, इसका मिशन क्या है सबसे पहले इस चीज को समझना है। इनका मिशन है कि RJD पूरे बिहार में MY का वोट लेता है, ठीक है, और उसको है जो सबसे पहले पिछले 30 सालों से जो लगातार है जो विपक्ष में बने हुए कभी कभी सत्ता में पहुंच जाता है। तो ये मिशन जो प्लानिंग किया गया अमित शाह का, ठीक है, अमित शाह का प्लानिंग किया गया है कि अब है जो हम समाजवादियों को बिहार में हम लगता है हरा नहीं सकते, तो पीछे के दरवाजे से प्रशांत किशोर को उतारा गया है। अच्छा, पीछे के दरवाजे से ये कैसे कह रहे हैं? हाँ, कैसे कर रहे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मेन मोटो क्या है कि अभी आपको पता है कि उन्होंने पार्टी अपना लॉन्च किया है जन सुराज पार्टी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2 महीना पहले ही RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो है अपना लेटर जारी किया था कि प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी में यदि आप जाते हैं तो हम आपको पार्टी से निष्कासित कर, तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल देखिए, अगर आप किसी पार्टी के मेंबर है, दूसरे पार्टी के साथ आप घेरबंदी करेंगे, गोलबंदी करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके जरिए आप किसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको कोई भी निष्कासित करेगा, ये कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल, तो ये प्लानिंग जो है अमित शाह के साथ साथ RSS और BJP का प्लानिंग है कि 2025 का जो चुनाव होने वाला है उस तरीके से हम किस तरीके से RJD को यदि हम घेरते हैं, मतलब कि MY के सीट पर जितने बिहार 243 सीट है, ठीक है, यदि जहां जहां यादव कैंडिडेट है वहां पे मुसलमान को उतारेंगे, जहां मुसलमान है वहां पे यादव का, कहीं ना कहीं एक ही सिक्का के दो पहलू है बिहार में। तो ये पीछे के दरवाजे से बिहार में एंट्री करवाना चाहता है BJP, इस बात को याद रखिए, क्योंकि इनको पता है कि ना तो JDU के हम हरा सकते हैं बिहार में और ना तो हम RJD को हरा सकते हैं BJP, तो इसीलिए इसको पीछे के दरवाजे से प्रशांत किशोर को लाया गया और ये बोल रहे हैं कि हम तो किसी, हम जो स्ट्रेटजी हम बना देंगे कोई भी हमको हरा ही नहीं सकता है। हम बड़े बड़े प्रधानमंत्री बनाए, बड़े बड़े राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री बनाए, मतलब कि एक तरीके से बोल रहे हैं कि हम कोई धरती पर कोई नहीं हरा सकता है। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिए थे कि बानासुर भी बहुत अत्याचारी था, समझ गए, वो भी बहुत बड़बोले था, बोलता बहुत बढ़िया था, लेकिन उसको कृष्ण भगवान ने सब हाथ, ई हाथ, ई हाथ, ई हाथ, गोड़ हाथ, सब पैर काट दिए, ये व्यक्ति जीवित रहेगा, खाली बोलेगा ही खाली। तो जो प्रशांत किशोर का मुंह है ये खाली चापर चापर उनको चलता है, बाकी ग्राउंड पे उनका कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे उसको पता है कि सोशल मीडिया पे कैसे भौकाल मचाया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनको कुछ पकड़ नहीं है। और जहां तक की बात रही कि बोलते हैं कि हमको तो महागठबंधन से लड़ाई है नहीं, NDA सीधा लड़ाई है, इसका मतलब मोटो समझिए, इनको पता है कि यदि हम नीतीश कुमार तो ऐसे भी छोट है, आपको पता है कि 2020 के चुनाव में 40 सीट पर सिमट गए थे, और इनका अबरी प्लान है कि इनको 20 सीट से ज्यादा इनको आवेगा नहीं 2025 के चुनाव में, उस चीज पर कम बैक नहीं कर रहे। इनका कहना है कि नीतीश कुमार उभर नहीं सकते। इस बार जो है मोदी जी, एक तो हनुमान है ही चिराग पासवान, अब ये बानासुर को भेज दिए हैं, तब बानासुर हो गए प्रशांत किशोर, इनको पूरी की पूरी जो प्रार्थ करेंगे, ठीक है, जो कलयुग में जो कृष्ण है वो है तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव से ही सुनेंगे, बाकी इस धरती पर है जो हरा सकते, इस बात को आप मान लीजिए। ये बड़ बोले हैं, ठीक ना, इनको लगता है कि हमको कोई, हम बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति, बड़े से बड़े इस धरती पर महारथी है ना, वो दू फटा हो चुके, जैसे आप जानते हैं जरासंध की, भीम ने फाड़ा उनको, ठीक है, 2 फाड़ में बिक दिए, तो इस धरती पर एक ही जात है जो सबसे लड़ सकता है, वो है यादव, और यादव को कोई चुनौती देगा वो पीछे नहीं हटता है, चाहे 5 गो रहे चाहे तो 100 गो रहे, वो हमेशा लड़के मैदान में जीतेगा और किसी से गठबंधन नहीं करेगा। पिछले 40 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए यूपी और बिहार के अंदर में, तो आज तक BJP और RSS समझौता ऐसा नहीं किया। तो प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि बैक दरवाजे से हम आकर के बिहार के अंदर में खेला है जो बिगाड़ दे, और तेजस्वी के जो राजनीति चमक रहा है, इतना कम उम्र में मुख्यमंत्री का दावेदार ये चल रहा है, इनको हम समाप्त करेंगे। तो ये बिल्कुल ही इनका मुखौटा है जो उतरने वाला है, ठीक है, 2025 के चुनाव में। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि 2025 का काहे के लिए वेट करें, 2024 में ये सफाया कर देते हैं। अभी जो उन्होंने पार्टी है जो लॉन्च किया था 2 अक्टूबर को, बोला कि 2024 में ही चारों सीट पर है जो सभी पार्टी को सफाई, मतलब ये सारे में RJD है जो 3 सीट पर चुनाव से लड़ रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है।
तो अभी आप सुन रहे थे कि प्रशांत किशोर के बारे में क्या कुछ कहना था हमारे सहयोगी कमल नयन जी का, तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, देखिए राय आप लोग जरूर दीजिए कि आप लोग क्या सोचते हैं जन स्वराज पार्टी के बारे में, प्रशांत किशोर के बारे में, और वो जो अभी काम कर रहे हैं उस चीज के बारे में, क्या वो चुनाव जीत पाएंगे भी, अभी उपचुनाव है सर पर, इस 4 विधानसभा चुनाव में क्या उनकी पार्टी एक भी सीट जीत पाएगी या केवल आरजेडी को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। बाकी आप ये वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को कर ले फॉलो, यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, नमस्कार।